होम मोमेंट स्टोरी। क्या आप भी अपने घर पे कभी ना कभी अकेले रहे हो? ऑफ कोर्स हर कोई अपने लाइफ में कभी ना कभी घर पे अकेला होता ही होता है। हर किसी का अपने लाइफ में अलग एक्सपीरियंस होगा जब आप घर पे अकेले होते हो। मेरा कुछ अलग एक्सपीरियंस है, आपका कुछ अलग एक्सपीरियंस है, तो मेरी कुछ स्टोरी इस तरीके से, जैसे कि आपने ये स्टोरी सुनी होगी, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मिलके ख़त्म का। तो हाँ, सिंपली इसी तरीके से मेरी होम अलोन स्टोरी है। जब मैं घर पे अकेला होता हूँ, खाना पीना, मोबाइल यूज़ करना, सो जाए, टीवी भी देख लेता हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, आपका जो कुछ करना है आप कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हाँ, वीडियो कह लो या ब्लॉग कह लो, बट पूरा देख कर, सॉरी कैमरा ये हुए। तो आपको जो कुछ कहना है आप कह सकते हो, आप व्लॉग कह लो या वीडियो कह लो, आपको जो कुछ कहना है आप कह सकते हो। बट आपने जो अभी वीडियो देखा वो शॉर्ट वीडियो था, उसमें कोई मज़ा आने वाला नहीं है। बट अभी अपन करते हैं अपने स्टोरी टेलिंग वीडियो, माई होम अलोन स्टोरी को कंटिन्यू। आर यू एक्साइटेड टू लिसन माई होम अलोन स्टोरी? इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जब आप घर पर अकेले होते हैं, आपकी मम्मी मीन्स, यार मेरा वीडियो मैं खुद की बात बताऊंगा ना, आपकी काय को बात बताए, ऑफकोर्स मेरा चैनल। तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि जब हम घर पर अकेले होते तब हम मैगी बनाते हैं। तो मैंने कभी, मेरा कभी भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा। माय फैमिली मेम्बर मतलब मेरे सभी फैमिली मेम्बर जब घर से बाहर गए एंड मैं घर पर अकेले, तो मैंने कभी मैगी नहीं बनाई है। रियली मैंने कभी मैगी बनाई नहीं है। हाँ, खुद से मतलब कभी कभार बनाई है, बट घर से कोई बाहर जाता फैमिली मेम्बर में से, तब मैंने घर पर मैगी नहीं बनाई जब मैं घर पर अकेला होता हूँ। से बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि हमने मैगी बनाई, तो अपने स्टोरी टेलिंग वीडियो से ये मैगी वाला पार्ट को कट कर देंगे। बिकॉज जब मेरी मम्मी घर से बाहर जाती है या मेरे फैमिली मेम्बर्स, तब मेरे लिए वराइटीज ऑफ डिशेज बना के जाते हुए, बिकॉज पता है कि लड़का बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज फूडी है करके अपन कह सकते हैं कि मतलब मुझे खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भी वराइटीज ऑफ डिशेज अलग अलग तरीके के। तब मैं बट तू भी घर पर अगर वराइटीज ऑफ डिशेज क्यों ना बनी हो, बट ये आपका भाई है, ये बाहर जाएगा कुछ वेफर्स लाएगा, समोसे, नूडल्स, मंचूरियन, मंचूरियन राइस यार बहुत ज़्यादा पसंद है आपके भाई को, बट बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक सिचुएशन ऑफ कोविड घर से बाहर नहीं जा सकते, बाहर में नहीं खा सकते, तो घर पे ही बनाते हैं अपन एंड घर पे ही खाते हैं। बट तो भी यार जो बाहर में मज़ा आता है उनकी, हाँ, जंक फूड भी यार ज़्यादा खाना अच्छा नहीं होता बिकॉज फॉर योर हेल्थ। मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, इसे कान दे के सुनना। तो ये यार 100% सभी लोगों के साथ हुआ होगा जब आप घर पे अकेले होते हो, एज जब आप छोटे होते तब कोई है तो नहीं, ऐसा वाला फंडा हो जाता है कि मतलब अगर आप बैठे हो, आप टीवी देख रहे हो या फिर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, बट तो भी अगर आपको दिख कोई है तो नहीं, मतलब अचानक से उस टाइम अपने माइंड में क्या सेंस आ जाता, चोर तो नहीं आया अपने घर पे? मेरे को ऐसा इमेजिन होता था कि हाँ कोई है अपने घर पे, कोई चोर आया है। तो ये सीन आपके साथ भी बहुत बार हुआ होगा, जब घर पे कोई होता नहीं तो आपको मतलब एक आर्ट होती है कि हाँ कोई तो भी है अपने घर पे, कोई तो भी देख रहा है, बट वो आपका वहम होता है। अब तो मुझे ऐसा कोई लगता नहीं है पे अकेला होता हूँ। तो कभी कभार मैं ड्राइंग भी कर लेता हूँ या फिर कभी मैं सिंपली कान में हेडफोन डालता हूँ। कभी कभार आई यूज़ टू लिसन अ सॉन्ग, तो मुझे गाने सुनना वैसे पसंद तो नहीं है, जब घर पर अकेला होता हूँ, कोई होता नहीं है तो किससे बात करनी चाहिए, तो टीवी भी देख देख के बोर हो जाते, फ़ोन भी यूज़ करके बोर हो जाते। बहुत लोग मुझे कहेंगे कि भाई ये तो तेरा व्लॉगिंग चैनल है, तो इस पर स्टोरी टेलिंग क्यों डाल रहा है? कि क्यों ना, अभी फिलहाल के लिए लॉकडाउन है एंड घर से बाहर नहीं जा सकते, तो जब मैं घर से बाहर जाऊंगा या किसी चीज़ के लिए तो मैं ज़रूर से व्लॉग बनाने की कोशिश करूंगा आपके लिए। बट तो अभी मैं अपने चैनल पे कुछ स्टोरी टेलिंग वीडियोज़ डालूंगा, कोई व्लॉग्स डालूंगा, मतलब थोड़ा मर्ज हो जाएगा अपने चैनल पे स्टोरी टेलिंग प्लस व्लॉगिंग या व्लॉगिंग प्लस स्टोरी टेलिंग, कुछ भी कह लो। तो ऐसा कुछ होने वाला है अभी अपने चैनल पे, तो खिचड़ी होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको जो कुछ करना है आप कर सकते हो। तो अगर आपका भी कोई होम अलोन एक्सपीरियंस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी आपका एक्सपीरियंस पढ़ने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।